we'll be talking about fertilization now. See, fertilization takes place where at the ampullary end of the uterine tube. ठीक है, sperms they enter. ठीक है, अब जो पूरा ovum है that is surrounded by a layer that is known as zona pellucida. So sperm will enter this layer zona pellucida. ठीक है, now as we get so sperm enters, ठीक है, ovum के साथ fertilization होगा और जो second meiotic division है वो complete हो जाती है फिर इसमें. ठीक है ना, once fertilization is done, once fertilization is happened. ठीक है, so अब now this न्यूक्लियस जो ओवम का होता है दैट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फीमेल प्रो न्यूक्लियस को बोलते हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज फीमेल प्रो न्यूक्लियर. नाउ एज दी स्पर्म इज एंटरिंग इनसाइड जो हेड ऑफ दी स्पर्म है दैट विल फॉर्म अ मेल प्रो न्यूक्लियर. टेल और टेल एंड द मिडिल पीस इज लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है ना, ओनली दी हेड पोर्शन ऑफ दी स्पर्म. ठीक है, इट मेक्स इट गिव्स इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेल प्रो न्यूक्लियर. अब जो ये प्रो न्यूक्लियर है मेल का है फीमेल का है दे विल लूज देयर मेम्ब्रेन. ठीक है ना, सो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन मेल्स एंड 23 आर देयर इन फीमेल. है ना, नाउ टोटल वी हैव 46 इन टोटल. सो दिस हाउ द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड. ठीक है ना, सो वी हैव टू सेल स्टेज एम्ब्रियो. दिस हाउ फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. फाइन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट विल हैपन इज, ठीक है, फिर क्लीवेज होनी शुरू होती है. ठीक है ना, दिस प्रोसीजर दिस टर्म इज नोन एज क्लीवेज. नाउ योर टू सेल स्टेज एम्ब्रियो अभी आगे मल्टीप्लाई करेगा, थ्री सेल होगा, फोर होगा, फाइव होगा. ठीक है ना, तो ऐसे करके 16 सेल स्टेज पे आ जाता है. ठीक है, दिस द सेल्स दे विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड दे विल फॉर्म अ 16 सेल स्टेज स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट इज नोन एज मोरुला. नाउ इसको अभी मोरुला कहते हैं. ठीक है, सो अब ये जो मोरुला है ना इट हैज टू लेयर्स, इट हैज एन इनर सेल लेयर एंड एन आउटर सेल लेयर. ठीक है, जो आउटर सेल लेयर है, ठीक है ना, आउटर सेल लेयर को हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है ना, और जो इनर सेल लेयर है दैट इज नोन एज एम्ब्रियो, दिस इज नोन एज एम्ब्रियो ब्लास्ट. ठीक है, अंदर एक पूरा देखो बाहर एक लेयर बनती है इसको अपने ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं. सेल्स मल्टीप्लाई करी जा रहे हैं, जो बाहर वाली लेयर है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो अंदर पूरा मास पड़ा है सेल्स का. ठीक है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो ब्लास्ट. फाइन, नाउ व्हाट विल हैपन, कुछ फ्रॉम द सेल लिक्विड विल स्टार्ट सेक्रेटिंग. ठीक है ना, नाउ दिस हाउ द ट्रोफोब्लास्ट और जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो दोनों सेपरेट होनी शुरू हो जाएंगे. दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग नाउ. ठीक है, नाउ दिस कैविटी व्हिच इज फॉर्मड नाउ बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड व्हिच इज बीइंग सेक्रेटेड बाय द सेल, नाउ दिस सेल दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट. इसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. Now what will happen is, ठीक है, zona pellucida जो outer layer है जो cover कर रही है, ठीक है, जैसे ये पूरी जो actually implantation जब होनी है, ठीक है ना, this blastocyst, ठीक है ना, it will travel through the uterine tube. ठीक है, अभी uterus में आ गया. ठीक है, अब zona pellucida will degenerate. ठीक है ना, it will start disappearing और ये पूरा blastocyst, ठीक है ना, it will reach the uterine cavity and it will start getting embedded in the uterine cavity. ठीक है ना, जो एंडोमेट्रियम है ऑफ द यूट्रस, ठीक है ना, इस तरीके से द ब्लास्टोसिस्ट विल गेट एम्बेडेड. ठीक है, ज़ोना पेलुसिडा इज लॉस्ट. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर फर्टिलाइजेशन इन क्लीवेज. क्लीवेज अगेन शॉर्ट नोट कम्स. ठीक है, फर्टिलाइजेशन पे भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. थैंक यू.